दमन जेटी स्थित लाइब्रेरी में आज एक दिवसीय पेंशन मेला आयोजित किया। नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश पटेल ने साथी काउंसिलरों एसपी दमनिया चंद्रगिरी ईश्वर के साथ पेंशन मेला शुरू कराया। इस दौरान मामलतदार सागर ठक्कर और नगर पालिका स्टाफ भी मौजूद था। विधवा, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग तीनों श्रेणियों के लोगों ने आज फॉर्म भरा। यहीं पर मतदाता पुनः निरीक्षण अभियान के तहत नए नए नागरिक बने लोगों का नाम, पता भी फोटो युक्त मतदाता सूची में दर्ज कराने को टेबल लगा था। पेंशन और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने आने वाले लोगों को संबंधित स्टाफ द्वारा जरूरी मार्गदर्शन दिया जा रहा था। आज डीएमसी ने पेंशन मेला जो हमारे गार्डन है जेटी गार्डन लाइब्रेरी में वहाँ पे रखा था, आज 9 से 5 बजे तक में रखा था और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स विडोज यहाँ पे आए, फॉर्म लेके गए, भरे हैं। दुख समय में 70 प्लस को 2000 पेंशन का जो लागू करने की बात है, हम इसके पीछे चल रहे पीछे पड़े हैं और वो भी लागू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वार्ड वासियों, दमन वासियों और सारे सारे सिटीज़ के जो कैंप रखा है यहाँ पे, इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी कैंप रखा है, तलाठी भी मौजूद है, हमारी डीएमसी की टीम मौजूद है, 5 बजे तक में सभी लोग के जो प्रॉब्लम्स है पेंशन के वो सॉल्व किए जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कोई रह भी जावे तो ऐसे स्कैम आगे भी लगाने हो हम लगाएंगे। और डीएमसी वहाँ पे 9 to 5 वहाँ पे रश्मि मैडम है और हमारी टीम है, आप उनको संपर्क करो या हमें संपर्क करें। कोई भी दमन का एक नागरिक पेंशन के बिना रहना नहीं चाहिए और उनको पेंशन मिलना चाहिए। थैंक यू। आज नानी दमन जीटी गार्डन के ऊपर डीएमसी और से कैंप लगाया गया है जिसमें विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन और हैंडीकैप के लिए पेंशन के लिए सुविधाएं आज उपलब्ध है। सुबह से शाम तक ये कैंप चलेगा और साथ ही में इलेक्शन के कार्ड जिनके नहीं बने जो हैंडीकैप है उनके लिए भी यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। और जो इनकम सर्टिफिकेट्स के लिए जो परिदमन मामलादार में जो धक्के खाने पड़ते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। तो जिन्होंने जो बाकी है जो इस पेंशन के इलेक्शन कार्ड के और इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो आज यहाँ पे ये कैंप का लाभ ले सकते हैं। और अगर आज नहीं करवा सकते तो पेंशन के लिए डीएमसी आगे भी ये जो पेंशन बेनिफिशियरीज के लिए जो सुविधा दे रही है वो आगे चलता रहेगा। लेकिन आज स्पेशल कैंप जो हैंडीकैप है और ओल्ड एज के लिए खास लगाया गया है, तो खास आप आइए और इनका लाभ लीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है, सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा, गिरा, गिरा। अच्छी आदत है। चल चल जल्दी कर, 5 मिनट का तो काम है यार। एक बार हेलमेट नहीं पहने तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आ गई तो आदत है यार। आदत आदत। देखा, बोला था ना, अच्छी आदत है। अरे देख ना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है, संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना, अच्छी आदत है। कंडोम देना प्लीज।
शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा जमीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्ज के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जे लोगों ने, जे लाभार्थियों ने आ योजना नो लाभ मिले छे, ए शिवाय पण जेनी आवक मर्यादा 1 लाख करता वधु छे, एवा संघ प्रदेश ना नागरिकों माटे पण आ योजना नो लाभ लई शकाशे। आशा राखू छू कि आप पण आ योजना नो लाभ लेशो, साथे साथे आ योजना अंतर्गत तमाम लाभार्थियों ने उत्तम स्वास्थ्य नी मंगल कामना करी शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, ये योजना जो है जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर हर व्यक्ति को लेना है। इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है, आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब तेमज प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी आ योजना जे हमारे गामडा में आवी जेमने थी अमे सारी रीते इलाज करी सके छे बीमारियों, तेथी एमनो धन्यवाद, मे हाथ जोड़ी एमने आभार व्यक्त करिए छे। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए
24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।